सद सार ईश्वर, ये जो ईश्वर शब्द है इसका जो अर्थ है यानी अर्थ है मीनिंग है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर इसका पाली के अंदर सबसे सरल अर्थ है, सबसे सरल इसका सार है, यानी सद सारों में सबसे आसान है। ईश्वर जो शब्द है चूंकि पाली के अंदर शय नहीं आता इसलिए इसको हम पढ़ेंगे इसी वर। ये जो पाली में है शब्द इसका मतलब है इसी वर, क्योंकि शय पाली में नहीं होता इसलिए ये पाली का शब्द नहीं है, मगर इसी वर पाली का शब्द है जिसको ईश्वर कहा जाता है। इसी वर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इसी और एक वर, यानी इसी प्लस वर। इसी जो बोलते हैं, जैसे आपने, मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपने पहली वीडियो ध्यान से देखी हो तो आपने इसी पतन नाम की जगह जो बनारस के अंदर है, पतन माने होता है जो रिवर है उसका पार्ट, और इसी माने होता है ऋषि, यानी कि जो तप करते हैं साधना करते हैं उनको बोलते हैं इसी। तो ऐसा पार्ट जहां बहुत सारे ऋषि बैठ के तप करते हैं साधना करते हैं मेडिटेशन करते हैं उसको इसी पतन जगह बोला गया। तो इसी तो शब्द हो गया जो तप करते हैं साधना करते हैं या जो अपने आप को खोजते हैं, अपने निज को खोजते हैं और ज्ञान को, प्रकृति के ज्ञान को जानते हैं। और वर का मतलब पाली में होता है एक्सीलेंट या श्रेष्ठ, यानी कि जो सबसे बेहतर होता है, सबसे बढ़िया होता है, सबसे अच्छा होता है, उसको पाली के अंदर वर बोलते हैं। तो दोनों शब्दों का मतलब है इसी वर, यानी कि जो इसियों में सबसे श्रेष्ठ है उसको इसी वर बोलते हैं। और इसी वर में बुद्ध का नाम आता है क्योंकि बुद्ध इसियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट रहे हैं, इसलिए बुद्ध को यहाँ इसी वर कहा गया या इसी वरंग बोलते हैं पाली के अंदर या इसी वरों। इसी वर बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्द इसका अर्थ होता है। आपने बचपन में सुना होगा कि वर मांगो, वर मांगो, बच्चा बहुत सारी पिक्चर में देखा होगा वर मांगो। वर मांगने का मतलब होता है कि आप एक्सलेंट चीज मांगो, श्रेष्ठ मांगो, क्या आपको मांगना है। फिर किसी के पास होता है तो वो कहता है कि वर दिया, नहीं होता है तो कहता है कि मैं वर नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं। आपने सुना होगा मान्य वर, मान्य वर जो शब्द है, मान्य वर का मतलब है माना हुआ श्रेष्ठ, यानी जिसको आपने श्रेष्ठ मान लिया। जैसे आप कहते हैं काशीराम जी को, साहब काशीराम जी हमारे मान्यवर हैं, यानी मान्यवर काशीराम जी बोलते हैं। तो मान्यवर का मतलब है कि उन्हें माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए वो मान्यवर हो गए। आपने सुना होगा पुराने समय में जो हमारी माताएं बहनें थीं वो स्वयंवर होता था उसके लिए, जब वो शादियां करती थी तो स्वयंवर बोलते थे, स्वयंवर की परंपरा थी शादी में। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो खड़े हो गए जो शादी के इच्छुक हैं मेल, और फीमेल आती थी हमारी माता बहन जो भी आती थी, और वो उनमें से वर चुनती थी, यानी उनमें से श्रेष्ठ चुनती थी, जो उसमें सबसे एक्सलेंट होता था उसको वो चुनती थी। कई बार चुनावों में उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी होता था जिससे देखा जाता था कि इसमें शरीर के रूप में कौन सा है, क्योंकि सुंदरता तो वो देख सकती हैं मगर शरीर के लिए उनको या बुद्धि के लिए उनको एग्जाम में पास होना पड़ता था, तो वो वर चुनती थी, उसको बोलते हैं। एक आपने सुना होगा जानवर, यानी कि जान में, जिसमें जान है और जो सबसे श्रेष्ठ है उसको जानवर बोला गया है, श्वेतांबर है, पीतांबर है। एक सुना होगा आपने वरदान, कि वरदान दे दो, वरदान दिया, वरदान का मतलब है श्रेष्ठ देना, यानी कि जो आप दे रहे हैं वो आपको सबसे अच्छा एक्सलेंट देना है, उसको वरदान बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वर पहिया यानी कि श्रेष्ठ पहिया, और प्रज्ञा यानी समझ, वर लक्षण यानी कि सबसे श्रेष्ठ लक्षण शरीर के अंदर, वरद हस्त प्राप्त। आपने सुना होगा पिक्चरों में कहते हैं अरे ये बड़ा बलशाली है, इसको वरद हस्त प्राप्त है। वरद हस्त प्राप्त का मतलब है वरद माने होता है वर देने वाला और हस्त माने होता है हाथ, यानी कि देने वाला हाथ, श्रेष्ठ देने वाला हाथ इसको प्राप्त है, इसके ऊपर है, कहते हैं इस पे किसी का हाथ है, वरद है, तो ये वरद है। तो उसी पाली भाषा में इसको वर से वरद बोला गया, यानी देने वाले को वरद बोला गया है। इसलिए जो इसी वर है या ईश्वर है ये बिल्कुल साफ इसका मतलब है, और इसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये कोई चमत्कारिक है, चमत्कार की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। पाली में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कहीं गॉड या जो गॉड से संबंधित किसी शब्द का पर्यायवाची या मीनिंग हो। धन्यवाद।